नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पढ़ने लिखने की उम्र में बेटियां घर के रोजमर्रा कामों के साथ साथ खेत खलिहान भी संभाल रही हैं। कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग रजाइयों में दुबके हैं, वहीं प्रदेश की बहुत सी बेटियां हाथों में कस्सी फावड़े लेकर के खेतों में जाती दिखाई दे जाएंगी। हालांकि ये इनका कोई शौक नहीं बल्कि एक मजबूरी है, क्योंकि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में किसानों के बच्चे खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। इस जिम्मेदारी में बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी खेतों में सिंचाई से लेकर के अन्य काम काज कर रही हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के गाँव भरपूर में ऐसे ही एक परिवार के पुरुष सदस्यों के किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए चले गए, जिसके बाद बेटियाँ कस्सी लेकर खेत में काम करने पहुँच गए। इनके पिता व भाई आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। पीछे से लड़कियां खेत का काम संभाल रही हैं। सिंचाई के लिए नक्काबंदी और गेहूं में खाद का छिड़काव भी यही करती हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में कस्सी लेकर खेत में ही डटी हैं। किसानों की बेटियां अन्नू और वीणा रानी कहती हैं कि उनके पिता व भाई आंदोलन में गए हैं, इसलिए हम खेत में आकर काम कर रहे हैं ताकि फसल की देखरेख किसी तरह से अभाव में खराब ना हो जाए। मेहनत करनी है और परिवार के लिए अन्न उगाना है, इसलिए बाजुओं में पूरी ताकत है। इस दौरान परिवार की वे अन्य महिलाएं भी उनके साथ रहती हैं। घर के चूल्हे चौके का काम करने के साथ साथ वे खेती भी संभाल रही हैं। इन लड़कियों का कहना है कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए ताकि उनके पिता सहित देश के हजारों किसान वापस घरों को लौट सकें। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। खेत में इसलिए काम करे क्योंकि हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। ये किसानों के बारे में जो ये आंदोलन चल रहा है ना, इसको लेकर हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। तो हम मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मोदी जी आपको क्या ठंड नहीं लगती, हम भी तो ठंड में यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको भी हमारे बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, आप भी थोड़े हमारी गुजारिशों को पूरा कीजिए। मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती, हमको भी ठंड लगती, आप हमारे किसानों की बातों को मान ले ताकि जल्द से जल्द हमारे परिवार वाले हमारे पास आ जाए। तो आप खेत में आप ही काम करते हैं? हाँ, हम ही काम करते हैं खेत में। हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। किस लिए गए हुए हैं वो दिल्ली? वो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दें। तो खेत में आप क्या क्या काम करते हो? खेत में हम ये जैसे कि पानी लगाना, अब तो गेहूं की वो क्या है ना, वो कोर देने वाली होगी या तो उसमें पानी पूनी देना। हम खेत में अभी खुद ही तो खाद डाल रहे हैं और खुद ही पानी लगा रहे हैं। हम छोटे छोटे बहन भाई हैं सभी के सभी। तो आप ही करते हो सारा वो काम? हाँ, हम ही करते हैं अब तो सारा काम, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप वहाँ पे गए हुए हैं, कि किसान आंदोलन दिल्ली गए हुए हैं, कि जो हमारी मांगी है किसानों की वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। और मोदी से यही गुजारिश करते हैं कि वो जो किसान भाई जो मांग रहे हैं पूरी करने के लिए कह रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। पहले हम घर का भी सब काम करते थे, बारी पोचा झाड़ू रोटी सब्जी सब करते थे, अब हमें साथ के साथ खेतों का भी काम करना पड़ रहा है साथ के साथ। तो क्यों करना पड़ रहा है ये खेतों का काम आपको? क्योंकि मेरे माता पिता वो दिल्ली किसान आंदोलन में गए हुए हैं, इसलिए हम ये काम घर पे भी ये खेती वाला भी हमें कोई करना पड़ रहा है। कि हम किसान भाई बहुत तंग हो रहे हैं कि जो किसान भाई जल्दी से जल्दी जो मांगे कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी मोदी को पूरी कर देनी चाहिए। हम खेत के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप करते हो पीछे से काम? हाँ, मैं मनीषा ताकर गांव उथनकुड से। मेरी मोदी जी से एक प्रार्थना है कि वो किसानों की जो भी मांग है वो पूरी करे। हमारे किसान जो भी दिल्ली में गए हुए हैं उनकी तकलीफ को महसूस करके जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का हल करें। क्या मोदी जी आपको ठंड नहीं लगती, इसीलिए इन हमारे किसान भाइयों को ठंड में मरने के लिए खुले आसमान में छोड़ रखा है। जल्दी ही जल्दी उनकी समस्या का हल कीजिए, तो हम बच्चों को भी, वरना वहाँ दिल्ली आना पड़ेगा और उनके साथ लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा।